अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है समझा रमजान एक के साथ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके साथ कंप्यूटर कोर्स की टोटल जो है वो 8 वीडियो शेयर कर दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ जो है वो होम टेप कंप्लीट करवा दी थी यहाँ तक जो है सिलेक्ट में, ठीक है, और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग तक। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो इंसर्ट टेप शेयर करूंगा, ये वाली इंसर्ट टेप में अब हम आएंगे। और एक बात मैं आप लोगों को और बताता चलूं कि इस एमएस वर्ड में जो इम्पॉर्टेंट टैब्स हैं वो होम, इंसर्ट और पेज लेआउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट बनाने में जो आप एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं, कुछ भी आप लोग जो भी ऑफिशियली वर्क करते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो काम होता है तो इन तीन टैब्स में होता है, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट में, ठीक है। तो ये तीनों टैब्स में जो अंदर ऑप्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अभी हम इंसर्ट टैब में आते हैं, तो अब हम जो है वो इंसर्ट टैब सीखेंगे। और इंसर्ट टैब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में देखे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। अगर आप हमारी ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं कंप्यूटर कोर्स का, आप जो है वो ये वीडियो आप पहली मरतबा देख रहे हैं, तो आप पहले वाली वीडियोज लाजमी देखें। और ये कंप्यूटर कोर्स मैं आप लोगों को कंप्लीट एमएस ऑफिस का करवाऊंगा, और इसके साथ साथ लास्ट में मैं आप लोगों को जो है वो सर्टिफिकेट भी दूंगा। और इसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, गर्ल्स का ग्रुप अलग है, सेपरेट है, बॉयज़ का अलग है, ठीक है। उसके लिए आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग जो है वो मुझे अपना जो है वो नाम, सिटी और कास्ट आप लोग जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप करें आप लोग। और फिर जो है मैं आप लोगों को कंप्यूटर कोर्स के हवाले से जो ग्रुप है उसमें मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। और उस ग्रुप का फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे लेसन करवाता जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं जो है वो उनकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, यानी कि आप लोगों से क्वेश्चनिंग करता हूँ उस ग्रुप्स में, और फिर जो कैंडिडेट्स हैं जो उस ग्रुप्स में ऑलरेडी ऐड हैं तो वो आंसर करते हैं, और यानी कि उसकी डिविजन हो जाती है कि भाई आप लोगों ने कितना सीखा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम इंसर्ट में। सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज का काम ये है कि जैसे कि देखें आप लोग कोई भी आप लोग कॉपी लेते हैं, कोई भी बुक लेते हैं, कोई भी किताब लेते हैं, तो उसके ऊपर जो पहला पेज होता है उसको कवर पेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कवर पेज में बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स होते हैं यहाँ पे ऑलरेडी। जैसे ही आप लोग यहाँ पे किसी पे क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी टेम्पलेट है, ये देख लें आप, और नीचे भी है डिजाइन, में आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली डिजाइन जो है वो ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। ये वाले डिजाइन आ गई, यहाँ पे कंपनी नेम आप लोग लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी नेम जो है हम यहाँ पे एजुकेशन लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे हम जो है वो नीचे टाइटल दे देंगे हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है लिख देते हैं एजुकेशनल ग्लोब, ठीक है। इसको आप किसी भी हिसाब से लिख सकते हैं, बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो है मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और नीचे मेरा नाम ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, और ये नाम ये देखें ऑटोमेटिक खुद ब खुद यहाँ पे टाइप हो गया। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे विंडो बटन में और वर्ड ऑप्शंस पे जाके ये वाला ऑप्शन सिखाया था। यहाँ पे देखें ये यूजर नेम जो लिखा हुआ है समीर रमजान, यहाँ पे आप लोग जो नेम सेट करेंगे तो फिर इसमें ऑटोमेटिकली वो नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो अगर नीचे आप ये नाम नहीं लिखना चाहते, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, या फिर ये नीचे नाम लिखा हुआ हो यहाँ पे आप लोग जो है वो एजुकेशनल ग्लोब, यहाँ पे आप लिख दें नोटबुक, तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे हम आएंगे, यहाँ पे ईयर होगा, ईयर में आप यहाँ पे क्लिक करके और टुडे कर देंगे, फिर आपके कंप्यूटर में आपके लैपटॉप में जो वाली डेट सेव होगी, अगर आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में कोई गलत डेट गलत ईयर सेव होगा तो सिर्फ वही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। मेरे कंप्यूटर में लैपटॉप में सही डेट सेव है, तो यहाँ पे मैं टुडे करूँगा तो फिर जो भी आपकी डेट और जो भी ईयर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, 2022 आ गया, ठीक है। अभी नीचे यहाँ पे कंपनी एड्रेस वगैरह है तो वो आप लोग लिख सकते हैं, मैं दादू सिटी से हूँ तो दादू पाकिस्तान लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, और अभी जो है वो इसको हम कंप्लीट व्यू में देखेंगे कंट्रोल F2 करके, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कीजिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। ये देखें ये कवर पेज आ गया है, ठीक है। और इसकी आप अलग से भी डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, वो आगे चल के हम जो टेप्स सीखेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है, बता दूंगा। और अभी जो है वो इसमें आप लोग अगर दूसरी डिज़ाइन इसी वक्त चेंज कर दें, यानी कि ये चीज़ें लिखी हुई जो है ये सेम लिखी हुई हो लेकिन डिज़ाइन इसकी जो है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कवर पेज पे आके जो भी कवर पेज यहाँ पे आप लोग देंगे दूसरा कोई, तो फिर
डिज़ाइन उसकी तब्दील हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये वाला देना चाहते हैं, ये देखें डिज़ाइनिंग तब्दील हो गई, यानी जो आप लोग ने जो लिखा था वो यहाँ पे आ गया लेकिन डिज़ाइन इसकी चेंज हो गई। ठीक है, और ये डिज़ाइन देखें कंप्लीट से कंट्रोल एफ टू करके देखेंगे, ये देखें आपका कवर पेज आ गया। ठीक है, तो इसका सिर्फ काम यही है कि कवर पेज देना। ठीक है, ये डिज़ाइन वगैरह आप लोग कुछ ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल ए करके इसको डिलीट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये मैं आपको ऑप्शन जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका है ब्लैंक पेज और दूसरा है पेज ब्रेक। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हैं, अलग ऑप्शन अलग अलग हैं लेकिन इनका काम एक ही है। ठीक है, और इसकी मीनिंग चेंज होगी लेकिन फंक्शन सेम ही है। ठीक है, मीनिंग यानी कि ब्लैंक, ब्लैंक कहते हैं कि खाली को, ठीक है, यानी कि खाली पेज। और पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का, ब्रेक का मतलब है तोड़ना, यानी कि एक पेज को तोड़ के दूसरे पेज पे आना। यहाँ पे आप लोग जो है वो इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, दोबारा मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में एरो है, ये देखें दो पेजेस हैं, बीच में यहाँ पे गैप आ गया, यानी कि एक पेज को ऊपर वाले को तोड़ के दूसरे भी आ गया। ठीक है, तो ब्लैंक पेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे, वैसे मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंट का सिखाया था कंट्रोल एन, यहाँ पे अभी हमारा वन डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल एन करते हैं तो नया डॉक्यूमेंट आ जाता है, यानी कि दो डॉक्यूमेंट आ गए। देखें यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट, लेकिन अभी हमें जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमें पेज चाहिए। इस एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरा पेज चाहिए, तो पेज यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, एक दूसरा पेज आ जाएगा। ठीक है, और ब्लैंक पेज दूसरा पेज आ जाएगा। पेज ब्रेक तो यहाँ पे सेम काम है, इसका भी काम सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नीचे देखें ये पेजेस बढ़ जाएंगे, यहाँ पे अभी 8 पेजेस हो गए। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है, कंट्रोल को आप जो है वो प्रेस करके, पहले हम ये खत्म करते हैं, कंट्रोल ए करके डिलीट करते हैं, वन पेज यहाँ पे हो जाएगा नीचे। कंट्रोल वाली की को प्रेस करके और जो एंटर का बटन है उसको आप एक मरतबा दबाएंगे तो फिर जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, एंटर को प्रेस करके रखेंगे यहाँ पे, तो जब तक आप इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक पेजेस यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, 104 पेजेस हो गए नीचे, ये देखें स्टेटस बार में, ये देखें टोटल 104 पेजेस हो गए। और ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करता है, कंट्रोल को प्रेस करके एंटर को आप तो यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे तो कंप्यूटर की स्पीड जितनी होगी तो उस हिसाब से उतना जल्दी चलेगा। अगर कंप्यूटर स्लो होगा तो फिर आपका कंप्यूटर हैंगिंग करेगा, लेकिन फिर जो है ये अनलिमिटेड जो है वो यहाँ पे पेजेस आते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं टेबल पे, आज की वीडियो में हम सिर्फ टेबल तक सीखेंगे, उसके बाद आगे जो है वो हम, ठीक है, ये लिए टेबल जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे ये वाली जो ऑप्शंस होते हैं ये हमारी रोज होती हैं। ठीक है, और ये वाले जो है हमारे कॉलम्स होते हैं। पहले मैं आपको रो और कॉलम में जो है वो फर्क मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें ये जो ऐसे लाइन है तो ये वाली रो है ऊपर वाली ऐसे सीधी, और ये जो लाइन है ऐसे तो ये कॉलम है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये वाली लाइन जो है ये कॉलम है, और ये ऐसी लाइन जो होगी वो रो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें हमने रोज जितनी लाई तो वो आ गई। फिलहाल इसको हम क्लियर कर देते हैं, कंट्रोल ए करके डिलीट करते हैं हम। दोबारा हम इंसर्ट में आते हैं और टेबल में आएंगे, यहाँ पे ये देखिए आप जितनी रोज देंगे और जितनी यहाँ पे कॉलम जितने देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से। उसके बाद इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे फिर आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमने यहाँ पे जो है वो 5 लिखे हैं और नंबर ऑफ रोज हम यहाँ पे 20 लिखते हैं। ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद वो सेट होके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस काम की होती है, ये आप यहाँ पे जो है वो कोई भी शीट बना सकते हैं, कोई भी प्रोफार्मा बना सकते हैं, सीरियल नंबर, नेम, ठीक है, फादर्स नेम, एफ नेम, कॉस्ट, एड्रेस। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे स्कूल में स्टूडेंट प्रोफार्मा बनाते हैं तो वो बना सकते हैं आप लोग। इस सब कुछ देख करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो सेंटर पे आ जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ऊपर डिज़ाइंस भी आ रही हैं, आप लोग यहाँ पे टिक करके, ये वाला जो निशान है यहाँ पे प्लस वाला, जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे अभी जो है वो हाइड हो गया जूम करने से, क्योंकि ये जूमिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसका कुछ अलग से रूल है उस हिसाब से। अभी यहाँ पे हम इसकी डिज़ाइनिंग दे देंगे, ये देखें अलग डिज़ाइन आ गई, ये देखें नीचे बहुत सारी इसकी डिज़ाइनिंग है आपको शो हो रही होंगी, ये देखें। ठीक है, आ गई, तो इसका काम यही है, उसके बाद आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे आते हैं हम यहाँ पे इसी सेम में, ये आपने सीखा इंसर्ट टेबल, उसके बाद ड्रा टेबल, अपनी मर्जी से आप टेबल बनाएंगे, पेंसिल आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ऐसे अपनी मर्जी से टेबल बनाएंगे कि भाई आपको टेबल जो है वो, जैसे कि आप लोग जो है उसमें कैश मेमो वगैरह भी बना सकते हैं, कैश मेमो जैसे बनते हैं तो वो बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको आप यहाँ पे जो है वो फिलहाल इतनी बनी, उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो इसको ऐसे जो है वो दूसरी लाइन देंगे सीधी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैश मेमो होता है कि भाई कैश मेमो यानी कि जो बिल वगैरह होते हैं
अच्छा यहाँ पे इसका माउस है वो ठीक से काम अभी हो गया। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर होता है, उसके बाद जो है वो नेम ऑफ आइटम होता है, ठीक है, कैश मेमो में। उसके बाद क्वांटिटी होता है, ठीक है, उसके बाद प्राइस होता है, उसके बाद लास्ट में जो है वो टोटल होता है, ऐसे इस पे कैश मेमो में होता है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सबसे ऊपर तो उस कैश मेमो का जो है वो नाम भी होता है, और यहाँ पे हम जो वो अलग से कर देंगे ऐसे। और इसमें इरेजर भी होता है, आप लोग यहाँ से इरेजर उठाएंगे और बीच वाले ये जो ऑप्शन है इसको आप बीच वाली लाइन्स क्लियर कर देंगे, ये वाली, ठीक है, इधर से, और ये वाली भी कंप्लीट जब सेलेक्ट किया था तब नहीं हुआ लेकिन अभी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अपने एजुकेशनल ग्लोब का ही लिख देते हैं, एजुकेशनल ग्लोब आप लोग जो है वो बुक स्टोरी कर देते हैं इसको हम, ठीक है, और सेंटर पे कर देते हैं इसको हम, इसकी साइज़ भी बढ़ाते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, ये मैं कैपिटल में कर देता हूँ, और सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम कैपिटल में बाद में हम कर देंगे शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए, नेम ऑफ आइटम। उसके बाद जो है आप इस यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कर देंगे शॉर्टकट की। मैंने आप लोगों को जो वीडियो में सिखा दी थी एट में, किसकी चेंज के इसकी कौन सी शॉर्टकट कीज़ है, Shift F3, Shift F3 प्रेस करेंगे तो कैपिटल में हो जाएंगे, इसको आप बोल्ड करके सेंटर पे कर देंगे। तो ये आपका एक छोटा सा कैश मेमो बन गया, ये देखें इसकी साइज़ थोड़ी कम है, आप लोग इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं यहाँ से नीचे करके, और यहाँ पे ये ऑप्शन आता है इसको आप नीचे कर देंगे, ठीक है, और भी इसको नीचे करेंगे तो इसकी साइज़ जो है वो बढ़ जाएगी, और जितनी भी आप इसकी साइज़ रखना चाहें यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो ये कर्सर जो है वो अपना शेप चेंज कर देगा और उसकी साइज़ आप लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा माउस में कुछ मसला है इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा, अभी ये देखें कैश में वो एक छोटा सा बन गया, ओके हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, इसमें यहाँ पे आप कोई भी कॉलम नीचे बढ़ाना चाहें, कट करना चाहें, तो ड्रा टेबल में आप लोग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ड्रा टेबल में आके यहाँ पे ये देखें, अगर दूसरा रो यहाँ पे ऐड करना चाहें दूसरी तो ऐड हो जाएगी अलग से, सिर्फ यहाँ पे एक खाना जो है वो एक बॉक्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, यहाँ पे बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, यानी कि इसमें आपकी खुद की मर्ज़ी चलेगी कि अपनी अपनी मर्ज़ी से कितनी भी रोज़ बनाएं, कितनी भी कितने भी कॉलम्स बनाएं, और अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे बना सकते हैं, ठीक है। और ये इरेजर है, और फिर जहाँ पर आप लोग ख़त्म करना चाहें तो वहाँ पर ख़त्म भी कर सकते हैं, ये देखें पूरे की पूरी टेबल आप लोग ख़त्म करना चाहें तो पूरे की पूरी टेबल जो है इरेज कर सकते हैं, कंट्रोल ए करके डिलीट करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अभी हम इसमें एक और ऑप्शन होता है, ठीक है, ये हो गए, और ये एक्सेल शीट है, यहाँ पे कंप्लीट एक्सेल की स्प्रेड शीट आ जाएगी, और आपको जो मेन्यूज़ होंगे वो भी एक्सेल के ही शो होंगे, ये देखें इंसर्ट में एक्सेल का मेन्यू शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो लिख सकते हैं सीरियल नंबर वगैरह, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेल प्रोग्राम जिसका पढ़ा हुआ होगा तो उसका पता होगा, लेकिन ये प्रोग्राम हमारा वर्ड के बाद आएगा, ठीक है, ये जस्ट मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। तो ये जैसे लिख के आप लोग बाहर यहाँ पे वाइट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो वापस आप लोग जो है वो एमएस वर्ड पे आ जाएंगे, या आपकी जो है वो शीट यहाँ पे बनी हुई आएगी, इस पर दोबारा आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा आप वहाँ पे जो है वो एक्सेल प्रोग्राम में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम, ये था इसमें एक और ऑप्शन, और लास्ट वाला भी इसमें एक ऑप्शन है, इसमें बने बनाए कुछ सैम्पल्स पड़े हुए होते हैं क्विक टेबल्स के, ये देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें आप यहाँ पे कैलेंडर्स वगैरह भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ पे बने बनाए हुए हैं सैम्पल्स, और उसमें आप जो है वो चेंजिंग भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सैम्पल चाहिए क्लिक करेंगे तो सैम्पल आ जाएगा, और इसकी सैम्पल की जो है आप लोग डिज़ाइनिंग भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें कलरिंग वगैरह जो भी देना चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो सिर्फ इतनी ही थी, और यकीन आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके पास मजीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।